हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज का ये तीसरा एपिसोड है डेथ पे। दो एपिसोड हम बना चुके हैं, आफ्टर डेथ पार्ट वन और आफ्टर डेथ पार्ट टू, जिसमें हमने बात की थी कि जब जीवात्मा शरीर को छोड़ती है तो उस जीवात्मा की स्थिति क्या होती है और क्या उस जीवात्मा पर कोई प्रभाव पड़ता है यदि उसके पीछे उसके परिजन मित्रगण उस जीवात्मा के लिए कोई क्रियाकांड कर्मकांड कोई भी क्रियाकलाप करते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। आज के एपिसोड में हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक लेंगे। वो टॉपिक है, हमने काफी देखा भी है एक दो बार और सुना भी है, सुना काफी है, कि जब कोई जीवात्मा शरीर को छोड़ती है और उसको उसके परिजन शमशान घाट में जलाने के लिए ले आते हैं तो वहाँ पे रात्रि के समय प्रायः कुछ तांत्रिक कुछ क्रियाकलाप करते हैं और उस जीवात्मा को जिसने शरीर छोड़ा है उसको बांधने की साधने की उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, फिक्स करते हैं और अपने मनचाहे कार्य उससे सिद्ध करवाते हैं, काम करवाते हैं। तो इस टॉपिक पर मैं शर्मा जी के विचार लेना चाहता था ताकि आप लोगों को, आप लोग भी सुने इसमें और गहराई से सुने और आपको कुछ लाभ हो। तो शर्मा जी, प्रश्न यही था कि जब जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया तो तांत्रिक रात्रि के समय कुछ क्रियाकलाप करते हैं और उस आत्मा को, जीवात्मा को जिसने शरीर छोड़ा है उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उसको बांधने की कोशिश करते हैं मंत्रोच्चार द्वारा या जो भी वो क्रियाकलाप करते हैं। तो इसमें प्रश्न यही है कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है और यदि सच्चाई है तो वो उस जीवात्मा को कहाँ तक प्रभावित कर सकते हैं और क्या क्या कार्य करवा सकते हैं और किस तरह की जीवात्मा उनसे फिक्स हो सकती है और किस तरह की जीवात्मा को वो फिक्स नहीं कर सकते। जी, इसमें योगिक साइंस के माध्यम से अगर हम इस पर चिंतन करें तो ये मिलता है कि जो स्थूल शरीर है, अगर स्थूल शरीर में एक अपनी पावर जो हमने एक बताई थी पहले कि परमात्मा की पावर उसमें है, जो शब्द और शक्ति और उसका प्रकाश और गति, ये एक परमात्मा की पावर है। तो ये परमात्मा की जो पावर है ये पावर स्थूल शरीर में भी होती है और जो इसका सूक्ष्म शरीर होता है उसमें भी ये पावर अलग से काम करती है, स्थूल में ये अलग से काम करती है और ये कारण शरीर में भी अलग से काम करती है और जो अनेक शरीर इसके पीछे भी आते हैं उनमें ये मूल तक ये कार्य करती है क्योंकि मूल में भी यही कार्य हो रहा है। तो मूल जो है वो एक चेतन प्रक्रिया में है, जहाँ वो दो हुआ है वहाँ ये चीज स्पष्ट होके नजर आई है, चेतनता उसकी स्पष्ट हुई है दो में, और मूल जहाँ है वहाँ चेतन स्पष्ट अंदर में तो है मगर वो उसका बाहरी स्पष्टीकरण नहीं है। तो अब हम बाहरी स्पष्टीकरण पे आते हैं। शरीर में, इन शरीरों में हमारे बाहर की तरफ से जो ये गतियां और शब्द और शक्तियां हमें नियंत्रण करती हैं, हमारे शरीरों को, हमारी यूनिटों को, हमारे ये यूनिट का मतलब ये हम कह रहे हैं कि हमारे जैसे दिल जो जितनी भी शरीर जिनसे यूनिटों से हमारा शरीर निर्माण बना हुआ है उन शरीरों को ये उनमें भी अपनी एक शक्ति है और शरीर की भी अपनी एक शक्ति है। तो इस तो शरीर की ये शक्ति अगर तांत्रिक की शक्ति से गतिमान है तो उसको वो तांत्रिक ऐसे सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से उसको ये पकड़ नहीं सकता, या उसको पकड़ता कैसे है, पकड़ता है शब्द के द्वारा पकड़ता है क्योंकि शब्द तो शरीर में भी कारण शरीर है उसमें भी हो रहा है और शब्द सूक्ष्म शरीर है उसमें हो रहा है, इतु शरीर उसमें हो रहा है, और शब्द जो तांत्रिक में है
वो उसके अंदर भी वही शब्द हो रहा है और उसकी वाणी में भी वही शब्द हो रहा है। तो ये शब्द के माध्यम से ये किसी चीज को आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, मगर वो शब्द अगर उस तांत्रिक से सूक्ष्म के शरीर से, जो शब्द वो अपने सूक्ष्म शरीर से भेज रहा है स्थूल शरीर से तांत्रिक, अगर उससे वो गति में है तो उसकी पकड़ से बाहर है, फिर वो उसका पकड़ में नहीं आता। फिर वो लाख कोशिश करे मगर पकड़ में नहीं आता, क्योंकि भागने की गति उसकी तेज है, वो उसकी रफ्तार तेज है और इसकी रफ्तार धीरे, इसलिए उसकी पकड़ में नहीं आता, वो निकल जाता है। मगर कोई किसी का शब्द बहुत स्लो गति में चल रहा है, हमने पहले शब्द बताया, शब्द के तीन स्तर हैं, एक बिल्कुल स्लो धीरे चलता है, एक सामान्य और एक तीव्र गति है उसकी। तो ये उसमें परमात्मा की ये गति है। तो परमात्मा की ये देखना पड़ेगा कि वो जो शरीर जो व्यक्ति ने स्थूल छोड़ा है और अब सूक्ष्म में चला गया, तो उसकी गति क्या है, और ये जो तांत्रिक है इसकी गति क्या है। तो इससे ही वो पकड़ में आता है, और सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म को ही पकड़ा जा सकता है। तो तांत्रिक का स्थूल शरीर है और ये तांत्रिक अपने सूक्ष्म शब्दों से सूक्ष्म शरीर को नियंत्रण कर रहा है। ऐसे ही अगर हम ये इस प्रक्रिया में अगर हम यहाँ आ जाएं, तो हम इसी प्रक्रिया में हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को हत्या कर दी गई है या कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो अपने शरीर से स्थूल शरीर से मर चुका है और वो अपने सूक्ष्म शरीर में है, और सूक्ष्म शरीर में उसकी गति इतनी तेज है कि वो सामने उसके स्थूल शरीर वाला कोई है और वो स्थूल शरीर की गति को जानता है, सूक्ष्म शरीर से उसने पकड़ लिया उसको कि इसकी सूक्ष्म भी मेरे से कमजोर है और स्थूल भी मेरे से कमजोर है, तो वो भूत जिसे हम बोलते भूत आ गया जी। तो वो भूत है, वो भूत की तरह वो भी पकड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि तांत्रिक ही इधर से पकड़ सकता है, वो भी उधर से पकड़ सकता है। तो दोनों तरफ से ये पकड़ा जा सकता है, मगर इसकी गति के ऊपर बात आएगी कि उसकी दोनों में सूक्ष्म की गति क्या है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया प्राणों के की जो गति होती है, प्राणों की गति, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। क्योंकि हमारा शरीर जब हम स्थूल को त्याग करते हैं, जब हम अपने को मरा हुआ कह लेते हैं कि हम मर गए हैं, तो हमारे जो प्राण हैं, हमारी जो यूनिटें हैं, वो स्थूल से ही भिन्न हो जाती हैं। उनके जो आपस में कनेक्शन है, संबंध है, वो संबंध अलग अलग हो जाते हैं। तो स्थूल के अलग हो गए हैं, सूक्ष्म के नहीं अलग होते हैं, कारण के अलग नहीं होते हैं और पीछे शरीरों के अलग नहीं होते हैं, और मूल में जाने के लिए वहाँ अलग नहीं होते, कि सारी गतिविधियाँ जो हैं वो एक अंडे की तरह ही ये समूह में चलती चली गई हैं, आगे तक बढ़ती चली आई। तो अंडे सारे इकट्ठे होते चले गए, यूनिटें बड़ी होती चली गई, और अंततः एक स्थूल शरीर आपने बना दिया। तो बनाया उस मूल ने ही है, उसने जो दो अंडे हैं उसने बनाया है, मगर मूल वहाँ पर प्रकट नहीं, मूल दोनों में सूक्ष्म तरीके से प्रकट है। तो ये एक अलग विषय है, वो बहुत गहराई वाला विषय, उसपे आप कभी प्रकाश डाल लेना। तो बाकी हम अभी जन्म मृत्यु की बात कर रहे हैं कि वो कैच कर सकता है और काम भी उनसे बहुत सारे करवा सकता है, ऐसे काम करवा सकता है तांत्रिक कि वो सूक्ष्म मृत आत्मा जो है ना सूक्ष्म शरीर से, वो कोई भी काम कर सकती है जो उसके ताकत की रेंज में आता है। ताकत की रेंज में आएगा वही काम कर सकती है, और उसकी ताकत सूक्ष्म में और स्थूल में मिला करके डबल हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति जो मृत आत्मा है उसकी एक सूक्ष्म की ताकत 1 ग्राम है, और जो जिंदा है जिसपे भूत बन के आ गया है उसकी मिला के 2 ग्राम हो गई, तो वो डबल ताकत में आ सकता है। तो 3 ग्राम उसके पास ताकत हो गई है, तो वो जो जिंदा व्यक्ति है वो स्थूल वाला व्यक्ति वो कई काम ऐसे कर सकता है कि अपने शरीर की पावर से ज्यादा तगड़े काम कर सकता है। ऐसे ही तांत्रिक करवा सकता है, तांत्रिक ऐसे सूक्ष्म से करवा लेता है कि वो काम करवा लेता है सूक्ष्म मृत आत्मा से, कि वो जो काम उसके नहीं होने वाले होते हैं वो उनको करवा डालता है, घटना और दुर्घटनाओं से।
तो ये घटना दुर्घटनाएं जो घटती हैं ये इन्हीं कारणों से जन्म लेती हैं। तो ये जो घटना दुर्घटनाएं घटने का कारण काम करती हैं वो भी पावर है, ये वो पावर है अपने में, तो वो पावर भी काम करती है, क्योंकि एक तांत्रिक की अपनी सूक्ष्म पावर करती है, एक मृत आत्मा की अपनी सूक्ष्म पावर काम करती है, तो वहां भी वो पावर डेवलप होती है। तो ऐसा इसको शरीर से किया जा सकता है, मगर ये जो कार्य करने का दायरा है ये इससे आगे नहीं जा सकता है, ये यही दो में ये जो पड़ोसी हैं जिनके बीच में एक दीवार खींची हुई, इस पड़ोसी से उस पड़ोसी यहाँ जा सकता है, मगर ये चौथे पड़ोसी पे क्रॉस नहीं कर सकता, ये चौथे पे नहीं जा सकता है कि आप वहां उस पोजिशन पे चले जाओ। तो ये शरीरों के स्तर है, दो स्तर की बात करी गई है, तो ये मृत आत्मा की दो स्तर पे बात करिए, दो पे ही ये कार्य हो सकता है जी। अब आप देखिए इसमें, ठीक है ठीक है, मैं इसको समराइज कर देता हूँ इंग्लिश में। फ्रेंड्स द क्वेश्चन वाज कैन अ तांत्रिक अफेक्ट जीवात्मा हु हैज लेफ्ट हिज और हर बॉडी, ओके दिस वाज द क्वेश्चन। And what Sarmaji has said, in briefly, he said, he explained that it all depends upon the, you can say, sound power, the power of Jivatma, right? If the power of Jivatma, which is associated with his or her subtle body, because physical body he has left. Okay, now he has left with the power of subtle body only. So if the power of subtle body, you can say it matches with the power of subtle body of a tantric, then tantric can control that jivatma which has left the body. If the power of the subtle body of the jivatma is more powerful, Jivatma is more powerful than the tantric, then tantric has no, it cannot control that Jivatma. Jivatma cannot be controlled by the tantric, right? So this is all the matter of energy, the level of power of the Jivatma and the power of the tantric. If tantric is very, very powerful, then he can control almost all the jivatmas, right? But it is not so. Okay, there are different type of tantrikas and they have got different powers, right? So if, suppose I am a tantric, if I am more powerful than a jivatma X, then I can control that X, okay? And after I control the jivatma X, then I can give some suggestion, and according to my suggestion, okay, that Jivatma will be able to do something, some kind of, any kind of event it can cause. So it all depends upon the power of Jivatma, which has left the body. So it is true that the Jivatma, which has left the physical body, can be controlled by a tantric or by all the whatever actions or kriyas a tantric perform. So due to that kriya, that practice of tantric, a jivatma can be controlled, can be fixed, okay? But if his energy is more powerful, means energy of jivatma, then tantric has no control, okay, on that jivatma. So this was bottom line, okay, of what Sarmaji has just explained about the jivatmas, okay, and the effect of tantric practices on the jivatma. Friends, in the next episode, we will come up with a very important topic, okay, which will be based upon the mool, okay, the power of mool, right? And how the whole creation is just taking place, happening due to the memory, smriti, okay? Because in the original, okay, there is no smriti.
So I mean, in the mool, okay, there is no creation as such. Okay, the creation we witness. Okay, so this kind of creation is not there in the mool. Okay, but in its smriti, in the kalpanik, right? All kinds of creations are taking place. So the creation is mainly based upon the smriti of the mool. Okay. So we will take up this topic in the next episode. Okay, and hopefully you will watch this episode also and our upcoming episodes also, and try to understand what exactly we are trying to convey to you, right? Although the subject is a little complex, okay, because all our life is based upon our experiences, and what are our experiences? Our experiences are nothing but memory. Okay, so we have become accustomed to live that kind of life, okay, and we are not aware of some different kind of activity which is not based on this memory or experience or, you know, or all kinds of things, okay, which are based upon the memory only. Okay, so but the thing is, if we try to understand with passion, with interest, okay, then we can get hold of it, right, to some extent, okay, and by we can come to understand. One day, of course, one day will come when you will come to understand what exactly we are trying to convey, right? So with this, I end this episode. Thank you, friends.